नहीं अबू, तलाक तो मैं उसे नहीं दूंगा। आप देखिएगा कि ये रिश्ता उसके पैरों की जंजीर बन जाएगा। मैं कैसे कहूँ अपना अमानत हो, अमानत हो। उम्मीद पे हर दिन गुजर रहा है कि साहब जी आपके लिए आया था। एक कप कॉफी मेरे लिए भी लेके आओ। क्या है? खुला ना। बात होती है वैसे। देख लिया तुमने? खुल गई ना इस लड़की की असलियत, जिसके लिए तुमने अपने माँ बाप से झगड़ा किया, रिश्ता तोड़ा, भाई भाई में फसाद हुआ, सारी दुनिया के तुमने ताने सुने, और किस बेशर्मी से वो अब तुम्ही से तलाक मांग रही है। तुम्हारा उससे कांटेक्ट हुआ इस दौरान? नहीं, और मुझे कांटेक्ट करने की जरूरत भी नहीं है उसे। ये क्यों करेगा कांटेक्ट? माफी तो उसे मांगनी चाहिए। वो तो मांग ही रही थी, लेकिन यहाँ उसे कुछ सुनने को तैयार भी तो होता। आप अभी भी फेवर कर रहे हैं? आपको पता है ना आपके तीनों बच्चों के साथ क्या कुछ नहीं हुआ उसकी वजह से, और आप उसी को फेवर करेंगे? मैं उसकी कोई हिमायत नहीं कर रहा हूँ। इतने महीने वो यहाँ रही है, आखिर हमारी फैमिली का एक हिस्सा ही बन गई थी। ऐसा तो सोचिए भी मत, वो इस फैमिली का हिस्सा हो ही नहीं सकती। ठीक है, जरा तलाक मांग रही है ना, तलाक दे दो, दे दो उसे। मेरे ख्याल में तुम्हारी माँ ठीक ही कह रही है। जब इतने महीने यहाँ गुजारने के बावजूद किसी के दिल में उसके लिए जगह नहीं बनी, तो फिर उससे तो अलहदा हो जाने बेहतर। बोझ बने रिश्ते को मजीद घसीटने का क्या फायदा? नहीं अबू, तलाक तो मैं उसे नहीं दूंगा। आप देखिएगा कि ये रिश्ता उसके पैरों की जंजीर बन जाएगा। एड़िया रगड़ती रहेगी सारी जिंदगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उर्वा हुसैन। सब्सक्राइब टू द ARY डिजिटल यूट्यूब चैनल फॉर मोर एंटरटेनिंग कॉन्टेंट।